रोशकिला जिन्होंने सीजन 13 में आसिम रियाज पर रैप सॉन्ग बनाया था, आप सभी जानते हैं कि वो कितना फेमस हुआ था। अब इस सीजन के भी दो कंटेस्टेंट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है और उनमें से किसी एक पर वो रैप सॉन्ग बनाएंगे, लेकिन किस पर बनाएंगे उसके लिए उन्होंने आप लोगों से पूछा है। तो क्या कहना है उनका, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रोशकिला ने एक पोल जो है अपने ट्विटर पर डाला है और उन्होंने लोगों से अपील की है। पहले तो दो कौन से शॉर्टलिस्ट किए हैं उन्होंने कंटेस्टेंट, आपको क्या लगता है कि इस सीजन में ऐसे कौन से दो कंटेस्टेंट है जिसको लेकर पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, रुबीना और राहुल वैद्य? तो अब जो है उन्होंने लोगों से पूछा है कि बताओ भाई मैं किस पर बनाऊं, हु शैल वी मेक अ सॉन्ग फॉर रुबीना और राहुल वैद्य, बिग बॉस 14, लेट्स सी द पावर ऑफ द फैंस। तो रुबीना को मिले हैं 72% वोट और राहुल वैद्य को मिले हैं 28% वोट। अभी भी 5.5 घंटे का समय बाकी है, तो अगर आप चाहते हैं कि राहुल वैद्य पर गाना बने तो आप उसके लिए वोट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि रुबीना पर बने तो आप उसके लिए वोट कीजिए। पिछले साल जब आसिम पर गाना आया था वो काफ़ी सुपरहिट रहा था, तो अब जो है इस साल के भी किसी कंटेस्टेंट पर वो बनाना चाहते हैं सॉन्ग, और इसीलिए उन्होंने फैंस से ये सवाल पूछा है कि आप बताइए आप किस पर चाहते हैं कि मैं गाना बनाऊं। तो रुबीना को जो है अगर मैं कहूं तो रुबीना अभी आगे है राहुल वैद्य से, तो अगर आप चाहते हैं कि राहुल पर गाना बने तो आप भी वोट कीजिए। तो ये देखना होगा कि इस साल का जो रोश का गाना आता है वो किस पर होगा और वो कितनी धूम मचाता है।